ये देखो कैसे हिप से होता है। ये देखो ये खींच सकता हूँ दोस्तों, ये सब चीज देखो मैं इस तरह भी कर लेता हूँ, काफी ज्यादा पैर को मैं हिला लेता हूँ इसी देखो। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। आज का वीडियो दोस्तों पार्ट टू है, जो एक्सरसाइज मैंने करके दिखाया था ना वो पार्ट टू वीडियो है। और ये वीडियो मैं बता देता हूँ दोस्तों आप सभी को, जो बाकी एक्सरसाइज मेरा रह गया था, अंदर का भी बहुत एक्सरसाइज रह गया है, बाहर का तो एक्सरसाइज बहुत रह गया है, और जो रिकवरी है वो सब जो है इस वीडियो में देखिएगा, पूरा फुल रिकवरी मेरा कितना है। बहुत रिकवरी है भाई मेरे को, मेरा जब इंजरी हुआ था ना तो 6 महीना के बाद मेरे को लगा कि मैं चलने लगूंगा। 6 महीना तक मैंने व्हील चेयर तक नहीं लिया था, मैं चाह रहा था कि व्हील चेयर क्या लूँगा, मैं चलने लगूंगा तो व्हील चेयर तो ऐसे ही धरा का पड़ा रह जाएगा। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा ये मोबाइल उठा करके कि मेरा पास एक नहीं दो दो व्हील चेयर हो गया है भाई ये देखो, और मैं अभी तक जो है फ्री नहीं हो पाया हूँ, और 1.5 साल हो गया देखो। ये व्हील चेयर यहाँ लगा है, ये वाला ये 6 महीना पहले लिए थे, और वो वाला तो अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, वो वाला व्हील चेयर वो मिला है मेरे को, ये वाला मैंने 6,500 रुपये में खरीदा हूँ और वो वाला मिला है। तो यही सब प्रॉब्लम है, और अंदर का एक्सरसाइज काफ़ी मेरा पैर उर जो मूवमेंट करता है वो सब मैं नहीं दिखा पाया था, उस दिन वीडियो लंबा हो गया था। और आज का एक्सरसाइज बहुत अच्छा है दोस्तों, उठक बैठक लगाया, देखो अभी मैं हाथ छोड़ के खड़ा रह लेता हूँ, ये देखो पूरा हाथ छोड़ के मैं खड़ा रह लेता हूँ, सिर्फ घुटना मेरा टच हुआ हुआ है और कोई चीज़ अटैच मेरा नहीं। मोबाइल को थोड़ा ये चीज़ करके दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों मैं ना पूरा हाथ छोड़ के खड़ा रह लेता हूँ, लेकिन ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है बॉडी के ऊपर, मोबाइल पे ऊपर ध्यान लगा देता हूँ तो डर लगने लगता है। ये देखो ये देखिए, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चलते हैं वीडियो को हम रिकॉर्ड करने के लिए। पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए दोस्तों, थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मेरा फुल रिकवरी दिख जाएगा। 1.5 साल में मैंने क्या क्या रिकवर, मेरा क्या क्या रिकवरी आया है, क्या क्या मूवमेंट आया बॉडी में, वो सब सारे चीज़ें दिख जाएगा। पहले मैं हाथ भी ऊपर नहीं कर पाता था इस तरह, देखो हाथ भी ऊपर कर लेते हैं, इस तरह भी कर लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे मुंह कान भी धोऊंगा, खाना उना सब यहाँ पे रख के नीचे में और खाऊंगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह। और मेरा पूरा एक्सरसाइज का वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है, और रेलिंग पर भी चल के दिखाऊँगा, हिप को उठा के दिखाऊँगा खुद से ऑटोमेटिक, पैर को आगे खींच लेता हूँ वो सब दिखाऊँगा, पूरी चीज़ें दिखाऊँगा दोस्तों आप सभी को। तो ये देखिए दोस्तों मैं बेड पे कैसे शिफ्ट होता हूँ, ये व्हील चेयर में कैसे शिफ्ट होता हूँ, ये देखिए दोस्तों आप सब। फिर मैं व्हील चेयर में शिफ्ट होकर के और जाऊँगा बाहर, तो मेरे को बहुत आसानी व्हील चेयर में बहुत आसानी से मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, देख सकते हो आप सब। और मैं अकेला, मेरे को किसी को सपोर्ट भी नहीं चाहिए व्हील चेयर शिफ्ट होने के लिए, बेड पर चढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें देखिए। मेरा पैर को हाथ से धर के पकड़ के करना पड़ता है, और अभी दिखाता हूँ बाहर का एक्टिविटी आप सभी को। रुक वीडियो रुक दोस्तों, वो जो तकिया दिख रहा है ना वहाँ पे मैं घुटना लगा के खड़ा रहूँगा, अभी आप सबको दिखाता, मेरा बीवी को मैं मोबाइल देता हूँ और वो शूट करेगा, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। ये देख सकते हो दोस्तों आप सब कि मैं देखिए इस जगह पे मैं कैसे व्हील चेयर को लगाता हूँ, रोज रोज ये मेरा रोज एक्सरसाइज करता हूँ मैं, और देखो मेरा कैसे कितना ये चीज़ बना हुआ है वो सारा आप सभी को दिखाता हूँ। इधर आ जाओ ना, इधर इधर से दिखेगा, पैर दिखेगा ना, पैर कहाँ रख रहा हूँ मैं, कैसे रख रहा हूँ। बहुत लोग कहता कि नहीं मैं खड़ा कैसे होऊंगा, उठक बैठक कैसे लगाएंगे, तो ये सब व्हील चेयर से ही लगा सकते हैं दोस्तों हम सब, सब अपना जुगाड़ लगाना पड़ता है भाई। रिकवरी मेरा जो आप सब, काफ़ी दोस्त का कॉमेंट मैंने देखा उसमें कि बोल रहा था आपका इतना रिकवरी कैसे आया 1.5 साल में, जबकि कंप्लीट इंजरी है। इस तरह देखो घुटना में लगा दिए, अब मेरे को एक हाथ यहाँ रखना है और एक हाथ व्हील चेयर पे, और मैं स्टैंड अप हो जाऊंगा, और हाथ छोड़ के भी खड़ा रह सकता हूँ दोस्तों मैं, और मेरा घुटना भी लॉक होता है। ये देखो खड़ा होने में भी मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी 5-10 सेकंड के बाद मेरा जो है घुटना लॉक होगा। चलो ये देखो मैं खड़ा हो गया हूँ दोस्तों, और हाथ अभी थोड़ा घुटना लॉक होने में मेरे को टाइम लगेगा,
5-10 सेकंड लगेगा टाइम, फिर मैं हाथ को भी छोड़ सकता हूँ। अभी मेरा रिजल्ट नहीं दे रहा है ज़्यादा, फिर भी दे रहा, ज़्यादा नहीं दे रहा, हल्का फुल्का दे रहा है। देखो ये देखो, कमर बैलेंस मैंने बनाया है, हाथ मेरा आप सब देख सकते हो, ऊपर में भी दिखना, थोड़ा पीछे जाके दिखाओ, और घुटना मेरा तकिया में लगा हुआ है दोस्तों, और मैं पूरा एकदम रिक्सी लेकर के ये सब एक्सरसाइज करता हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिर्फ तकिया में मेरा घुटना अटैच है, बाकी आगे साइड नहीं है। दिखाओ थोड़ा आगे साइड, थोड़ा ला के दिखाना थोड़ा। देखो इधर मेरा जो है पेट वुट कहीं टच नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हो, बॉडी मेरा टच नहीं है, सिर्फ घुटना टच है, और घुटना दिखाना थोड़ा सा। हाँ ये देखो दोस्तों, हाथ से मैं पकड़ रखा हूँ दोनों हाथ से इस तरह के पेंट करके, और मेरा घुटना देख सकते हो किस तरह से अटैच है, और इतना मैं रिकवरी लाया हूँ, कमर बैलेंसिंग का इतना लाया हूँ। इस तरह हाथ छोड़ के मुँह कान भी मैं धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ दोस्तों हाथ छोड़ के मैं। लेकिन अभी तुरंत मैं खड़ा हुआ हूँ, सो करके उठ के तुरंत 10 सेकंड रह जाऊँगा, 5 मिनट के बाद तो पूरा मेरे को डर है, पूरा चला जाएगा। ये शुरू शुरू में जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हैं तो पीछे वाला आवाज़ नहीं आता होगा, इधर से बना होगा, फिर अभी लगेगा वो भी दोस्तों। मेरा अच्छे से दिखाओ, नज़दीक करके दिखाओ, घुटना दिख रहा है दोनों, देखिए किस तरह से जब मैं खड़ा होता हूँ दोस्तों तो मेरा दोनों घुटना जो है वो लॉक रहता है। ये देखो थोड़ा साइड हटा के दिखा रहा हूँ, सीधा एकदम लॉक नहीं होगा देखना। हाँ ये भी पूरा देखो, ये थोड़ा सा चला गया, पूरा सीधा करता हूँ ना तो नहीं रहता है, लेकिन रहता है दोस्तों। और अभी मैं तुरंत खड़ा हुआ हूँ, तुरंत एक मिनट भी नहीं हुआ होगा मेरे को खड़ा हुए हुए, और घुटना मेरा दोनों लॉक हो गया इतना समझ लो। लेकिन ये पीछे धकेल के रखना पड़ रहा है हल्का फुल्का मेरे को, ज़्यादा नहीं लेकिन पीछे धकेल के रखा हूँ दोस्तों, क्योंकि पैर का ये मूवमेंट से पता, बैठ के देखो तो दिख रहा है पूरा घुटना जो है मेरा साइड में तकिया से, नज़दीक ला करके थोड़ा दिखाओ घुटना मेरा दोनों तकिया से साइड है कि नहीं, और दोनों लॉक है कि नहीं, वो सब दिखाओ पूरे अच्छे से, ताकि बारीकी के समझ सके इनका प्रॉब्लम क्या था, कहाँ पे था, क्या डॉक्टर ने इनको जो है लाया है रिकवरी फाइनली। तो ये फाइनली देख सकते हो दोस्तों, मैं उठक बैठक जो लगाता हूँ वो एक्सरसाइज आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पकड़ता हूँ, और मेरे को ना उठक बैठक करते समय व्हील चेयर चेंज करना पड़ता है, ये मेरा पुराना व्हील चेयर है दोस्तों देख सकते हो, और इस व्हील चेयर पर आज मैं ना 10-12 दिन के आज बाद बैठा हूँ। ये व्हील चेयर से मैं ना 3 महीना तक चला हूँ, ये व्हील चेयर लिए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 महीना लिए हुए हुआ है। मैं पहले मैं शुरू में बताऊँगा क्या क्या किया था, और ये व्हील चेयर मेरे को हाल फिलहाल मिला है। ये व्हील चेयर से उठने में बैठने में अच्छा लगता है। देखो ये मैं खड़ा हो गया, तुरंत को हाथ को भी छोड़ सकता हूँ, देखो तुरंत एकदम खड़ा होते हैं और तुरंत हाथ छोड़ देते हैं। ये देखो इस तरह आप सभी को जुगाड़ लगाना होगा भाई, और ये सब एक्सरसाइज आप सभी को करना होगा तभी ये रिकवरी आएगा। बाकी मैं ये सब जो मूवमेंट और देखो ये सब जो पावर है, ये डॉक्टर को हाथ दिखा, थोड़ा दिखाऊँ जब खड़ा होऊंगा तब। हाँ देखो हाथ दिखाना मेरा जब मैं खड़ा होऊंगा, ये देखो ये सब मैं डॉक्टर को ना पहले ही दिखा दूंगा कि देखिए मेरा जो है ये सब मैं कर लेता था, बाद में अब नहीं कह सकते हो कि मैं ये सब कराया हूँ, आपका रिकवरी लाया हूँ, ये मैं खुद मेहनत करके दोस्तों लाया हूँ, और इतना वीडियो बना रहा हूँ आप सभी ने देखा होगा, काफ़ी मस्त लगता है यार। इस तरह मेरे को उठक बैठक लगाने में लगता है मेरे को यार इंजरी हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है। पैर उर में तो मेरा जलन झटके जकड़न कुछ है ही नहीं, तो इसकी वजह से ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल लगता है। और ये सब मेन मेन एक्सरसाइज है, ये सब करिएगा, घुटना भी लॉक होगा, बॉडी भी वेट पड़ेगा पैर पे, पैर भी समझेगा नहीं बॉडी है इसका पैर से जुड़ा हुआ। ये सब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और आप लोग ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो पैर का मूवमेंट है ना, और मैं मेरा पैर ज़्यादा मूवमेंट करता है, वो सब चीज़ें देखिए। कल अगले वीडियो में ये वाला सब छूट गया था, फिर आज पड़ा बाद में। ये देखो इस तरह होने के बाद देखो इस तरह हो जाना है, और मैं देखो पैर को ना खुद से मैं उठा उठा के इधर कर सकता है, रुक जा दिखाता है, ये देखो, लेकिन वो हिप से होता है। ये देखो पैर दिखाना, हाँ मेरे को मत दिखाओ, पैर दिखाना, और थोड़ा और इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ आगे, और पैर ये देखो ये मैं इधर कर सकता हूँ, और फिर मैं इधर खींच भी सकता हूँ, ये देखो ये खींच सकता हूँ दोस्तों। ये सब चीज़ देखिए, मेरा मूवमेंट है, दोनों पैर में मूवमेंट है, ये सब देखिए, लेकिन इधर नहीं धकल सकता हूँ, धकल नहीं सकता हूँ, लेकिन खींच सकता हूँ, बहुत कम धकलाता है। ये देखिए इसको आप सब क्या कहते हैं जरूर बताना, मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं। इस पैर में अभी, और देखो इस तरह जब रहता है पैर ना मेरा, तो फिर मैं इस तरह भी कर लेता हूँ।
कर लेता हूँ इसको, काफी ज्यादा पैर को मैं हिला लेता हूँ इससे, देखो। और इसको भी मैं इस तरह उठा के इधर कर लेता हूँ। ये चीजें मैं जो है कर लेता हूँ, दोस्त आगे खींच लेता हूँ दोनों पैर से, खींच आगे बहुत खींचा जा रहा है, ये देखो बहुत अंदर तो खींच लेता हूँ पैर को। ये सब चीजें है जो कर रहा हूँ, ये देखे। और उसके बाद मैं बैक घूम के दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो को रोक दो, वीडियो को पैर को उठा नहीं पाता हूँ लेकिन गिरा लेता हूँ दोस्तों। कौन वाला उठा, ये उठाई ना, हाँ एक उठाना छोड़ दो, देखो मैं गिरा रहा हूँ खुद से गिरा रहा हूँ, ये देखिए मैं गिरा रहा हूँ खुद से गिरा ले रहा हूँ दोस्तों, उठा ली। ये देखो मेरा वाइफ उठा के रख दिया, फिर मैं जो है खुद से गिरा ले रहा हूँ, ये देखो। ये सब जो है एकदम दिमाग से हो जा रहा है लेकिन उठा नहीं पाता। उठाई सीधा है, सीधा नहीं रखती उठा के, सीधा रखो ना, रुक जाओ मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ हाँ अब देखो फिर से मैं गिरा रहा हूँ, ये वाला दूसरा वाला पैर करो, तो दूसरा वाला पैर करो, वीडियो भी बनाना है। उठाई, उठाया पैर को, ये देखो उसके बाद मैं खुद से गिरा रहा हूँ, धड़ाम से गिर जाता है, रोक नहीं पाता हूँ, बैलेंस नहीं है पैर में, उठा के उठा नहीं पाता हूँ दोस्तों, लेकिन गिरा मैं खुद से लेता हूँ। ये देखिए एकदम बिल्कुल दिमाग से गिर रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग से, सिर्फ सोच लेता हूँ तो गिर जाता है। मैं गिर लो, मैं गिरा उठा ले, उठाओ सीधा रखना, बहुत धड़ाम से गिर जाता है पैर मेरा। हो गया ना, अब रोक दो वीडियो। मेरा बीबी को तो मैं मोबाइल धरा दिया हूँ, ये देखो इस तरह एक गमछी को इस तरह करके रख लिए, हम लोग अपने भाषा में इसको गमछी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। तो देखो मैं हिप को उठा लेता हूँ दोस्तों खुद से, ये देखिए थोड़ा पैर को पकड़ना होता है, ये देखिए जब मैं बांध लूंगा ना पैर को, यहाँ पे बांध लूंगा ना थोड़ा सा, तो और अच्छा उठेगा मेरा पैर, इसलिए गमछी को रखा हूँ, ज्यादा नहीं उठेगा लेकिन इधर उधर गिरेगा नहीं, जब मेरा उठेगा ना ये हिप तो गिरेगा नहीं, पैर मेरा जो है इधर उधर नहीं गिरेगा, मैं उठा सकता हूँ। ये देखो गमछी बांध लिया, ये देखो गिरने का चांस रहता है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए उठ रहा होगा, आप सभी को पता है हल्का फुल्का उठ रहा, ज्यादा नहीं उठ रहा। और ऐसे पकड़ के कराता है तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ये देखिए ये वाला, पकड़ेगा हाथ से तो मैं देखो कितना उठा दूंगा, ये देखो घुटना पकड़ेगा, ऐसे रखना इस तरह रखो, चालू की वीडियो देखो कितना उठा लूंगा, मेरा वाइफ थोड़ा हाथ लगाता है तो मैं देखो इतना उठा लेता हूँ दोस्तों। ये सब एक्सरसाइज में ना खुद से करता हूँ काफी देर तक, और शुरुआत से मैं एक्सरसाइज कर करके परेशान हो गया हूँ दोस्तों, और मेरे को रिकवरी आ रहा है लेकिन मेरे को जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यही प्रॉब्लम है, थोड़ा लेट लगता है लेकिन रिकवरी आता है दोस्तों, और वो भी मेहनत करके रिकवरी ला सकता है सब कोई मेरे तरह। ये सब जो एक्सरसाइज है ना, ये सब मेन मेन एक्सरसाइज है,
ये देखो, ये देखिए, और मैं ज्यादा उठा सकता हूँ। देखो यहाँ पकड़ लूंगा ना, ये देखो ऊपर में पकड़ने का जगह है, तो देखो कितना उठाऊँ। ये देखो, ये देखिए, ठीक से पकड़ो पैर को। दावना नहीं, दबाओ मत, दाब रही हो क्या? देखो एक्सरसाइज काफी, ये चीज़ है। पैर को सीधा करो, पैर को सीधा करो मेरा। ये सब रिकवरी जो है मेरा पहले से ऑलरेडी है, डॉक्टर नहीं कह सकता कि मैंने किया है। थोड़ा साइड हट जाओ। देखो इस तरह भी मैं ना उठा सकता हूँ। देखो जाओगे थोड़ा, देखो इसे जमीन से उठ रहा है। ये सब एक्सरसाइज से काफी फायदा होने वाला है दोस्तों, और ये आप सभी को करना चाहिए, और हम भी करते हैं। ये सब मूवमेंट मेरा पहले से है। और फिर मैं ना पलंग पर भी उठा के पैर को लगा लेता हूँ, वो भी देखिए। चलो क्या है, ये देखो मैं पैर को ना उठा सकता हूँ खुद से ही दोस्तों। ये उसके लिए ना मेरे को पकड़ना होगा। ये देखो इस तरह करके फिर पैर को पूरी तरह से नीचे गिराए, फिर मैं लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं हीप से ताकत लगा रहा हूँ, देख रहे हो, हीप से लगा रहा हूँ, हीप से। हिप से ताकत लगने से इस तरह होता है पैर मेरा, गिराते सब हाथ को पकड़ के गिराना होता है, पैर को उठा सकता हूँ इस तरह। ये सब एक्सरसाइज जो है ना मेरा, ये वाला भी पैर भी उठा लेता हूँ भाई, उस तरह इस तरह। ये मैंने वीडियो रख दो, इधर घूम के हम करेंगे। खिड़की नहीं दिखाना ना, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ, इधर पीछे से। ये वाला भी उठा ले रहा हूँ। लेकिन बहुत झटका से उठ रहा है, उठा रहा हूँ ना, थोड़ा सा ज़्यादा झटका दे दे रहा हूँ तो तुरंत उठ के इधर आ जा रहा है। लेकिन मैं ये सब जो है मूवमेंट पहले से ले आया हूँ अपना बॉडी के अंदर में। ये देखिए दोस्तों, आप सबको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सब एक्सरसाइज हर हालत में करना है भाई। ताकत लगता है लेकिन कर लेता हूँ कोई तरह से दोस्तों, और बाहर वाला भी एक्सरसाइज दिखाता हूँ, रुको वीडियो। तो फाइनली ये भी एक एक्सरसाइज आप सभी को दिखा देते हैं कि मैं बाथरूम कैसे करता हूँ। ये देखो ये मेरा बाथरूम है, इस साइड से बनता ना दिखेगा, तुम दुआरी पर लगा दिया। इधर मेरा बाथरूम है, आप सभी को दिख सकता है दोस्तों इधर। और ये बाथरूम में ना मैं शिफ्ट कैसे होता हूँ वो दिखना आप लोग वीडियो में, शिफ्ट कैसे होता हूँ व्हील चेयर से। भी व्हील चेयर पर बैठा हूँ ना, मेरा बीवी देखो पैर पकड़ा है, और मेरा सिर्फ घुटना जो है फैलना नहीं चाहिए, बाकी मैं मस्ती से नीचे भी उतर जाता हूँ। देखो इस तरह मैं उतर गया, बाथरूम में भी इसी तरह बैठता हूँ, इसी तरह बाथरूम में बैठ के करते हो ना हम, तो फिर मैं ऊपर चढ़ने को होता है इसी तरह आता हूँ बैग से, और फिर मैं इस तरह चढ़ जाता हूँ मस्ती से। तो बहुत आसान है, ये पकड़े ना, पकड़ ले रहे बाथरूम मेरे को चढ़ने उतरने में बहुत आसान है। ये देखो एक झटके में मैं नीचे उतर जाता हूँ, और ये एक एक एक्सरसाइज ही है समझ लो भाई, ये एक एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज सोच के भी आप लोग कर सकते हो, और बाथरूम में भी मैं आता हूँ तो एक्सरसाइज करते रहता हूँ। क्या बताएं भाई, ये जिंदगी हम लोग का ऐसा हो गया है ना। ठीक है वीडियो रोको। सभी ने वीडियो देखा, और वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है दोस्तों, मेरा अभी भी बहुत एक्सरसाइज बाकी रह गया है। रेलिंग में चलना है, फिर वॉकर पे खड़ा होता हूँ, उठक जैसे घुटना मेरा मम्मी पकड़ता है, फिर रेलिंग पे चलता हूँ, घुटना पकड़ना पड़ता है, वहाँ पर भी खड़ा उठक बैठक होता हूँ वहाँ रेलिंग पे जाने के बाद। तो अभी वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है मेरा दोस्तों, इसलिए मेरे को एक और पार्ट में वीडियो डालना पड़ेगा। वीडियो अपलोड एडिटिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई जान जाएगा कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है। और भाई साहब ये जो जो मैंने एक्सरसाइज दिखाया और जो मैंने रिजल्ट दिखाया वो रियल है दोस्तों, कोई फेक नहीं है।
आप लोग जैसे समझ सकते हो। और काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है भाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मैं बाथरूम भी कैसे शिफ्ट होता हूँ ये सब भी दिखाया है, उधर भी कैसे पूरा चीज़ें मैं दिखाया हूँ, और काफ़ी मेरा अभी बाकी है वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बस चैनल को सपोर्ट किया करो मेरे को और फॉलो किया करो। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह तीसरे पार्ट में, क्योंकि एक और पार्ट मेरे को बनाना ही पड़ेगा। काफ़ी वीडियो रह गया है दोस्तों मेरा एक्सरसाइज का, वो सब भी दिखाऊंगा, और मैंने कौन कौन सा एक्सरसाइज करता हूँ और किया हूँ।